केवल विधानमंडल की बैठक सत्र के बारे में नहीं होगा, सत्र और आने वाले कल के लिए राजनीति में जिस तरह से बिहार के बजट दिया गया है और बिहार के सौतेलापन व्यवहार किया गया है। विदेश से पटना लौटे हैं तेजस्वी यादव आज, और पटना लौटते ही राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। बता दें आपको कि एक तरफ जहां बिहार में मॉनसून सत्र चल रहा था उसी दौरान तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे, और उसके बाद आज विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। तेजस्वी यादव अभी पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही वो विधायकों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। पांच देश रत्न मार्ग जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है और उसी आवास पर ये बैठक हो रही है। देखिए तस्वीर किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। सदन चल रहा था, सदन खत्म हुआ और तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पांच देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव का जो ये सरकारी आवास है जो उप मुख्यमंत्री को मिलता है, और उस बीच जो है तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। लगातार विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आरक्षण का मामला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन नेताओं का जारी था सदन में। और आज तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं, पटना पहुंचते ही विधायकों की बैठक जो है वो ले रहे हैं, और कल सदन का आखिरी दिन होगा और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कल विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहेगा, या फिर एक तरीके से क्या विपक्ष जिस तरीके से सुस्त नज़र आ रही थी क्या एक्टिव मोड में नज़र आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो कुछ ही विधायक जो हैं वो लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रहे थे। बाकी जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आउट नज़र आ रहे थे, फ्रेम में नहीं आ रहे थे। लगातार दो तीन विधायकों की तस्वीर ही सिर्फ सदन में नज़र आई, बाकी जो विधायक हैं वो लगभग नहीं के बराबर ही दिख रहे थे। ऐसे में माले और कांग्रेस भी इन दिनों जो सदन की अगर बात की जाए तो विपक्ष की भूमिका में दिखी है, और ऐसे में आज जो विधायक दल की बैठक है राष्ट्रीय जनता दल की वो तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, विधायक जो है वो किस तरीके से पहुँच रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। देखिए पांच देश रत्न मार्ग तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक शुरू हो गई। आज विधानमंडल की जो बैठक है किन मुद्दों पर है और क्या चर्चाएं होनी? केवल विधानमंडल की बैठक सत्र के बारे में नहीं होगा, सत्र और आने वाले कल के लिए राजनीति में जिस तरह से बिहार के बजट दिया गया है और बिहार के सौतेलापन व्यवहार किया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आखिर माननीय नीतीश कुमार जी इस भाव से कहे थे कि बिहार को विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए, और दोनों सदनों से उन्होंने पास कराकर और यहाँ की जनता को मूर्ख समझ रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री। कभी अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, कभी जाकर गोद में बैठ जाते हैं सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, आरक्षण विरोधियों के साथ बैठ जाते हैं। हम देश बिहार की जनता जानना चाहती है कि आपने जाति गणना कराया तो जाति गणना में जो आपने आरक्षण का दायरा बढ़ाया तो क्या 9वीं अनुसूची में आप शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सवाल है। इन्हीं सब कई मुद्दे हैं जो यहाँ विचार विमर्श होगा, उसके बाद जब निकलेंगे तो फिर आप लोग से रूबरू होंगे।